Good morning. Welcome back. My today's topic is 1848, the revolution of the liberals, part 2. Part 1 में हमने क्या देखा था कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था, जो जिसको फर्स्ट वेव या फिर फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बोला जा रहा था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया. पार्ट 2 में अब हम क्या देखेंगे कि द रोल ऑफ वुमन इन नेशनल स्ट्रगल, कि इस लिबरल के इस रेवोल्यूशन के अंदर किस तरीके से वुमन ने अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूट किया. चलिए, द वुमन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेशनल स्ट्रगल. द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्सियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स. अब हो क्या रहा था, ये बोला जाता है कि कोई भी रिवोल्यूशन हो उसके अंदर वुमन ने जो था, महिलाओं ने जो था, वो पूरी तरीके से अपना एक्टिवली पार्टिसिपेशन शो किया था. उसके बावजूद भी वुमन को कुछ पॉलिटिकल राइट्स दे दिए जाए, ये एक टॉपिक जो था वो एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता था कि वुमन को तो ऐसे राइट, पॉलिटिकल राइट्स मिलते ही नहीं है. तो ये चीज यहाँ पर डिस्कस हो रही है. क्या था कि वुमन हैड फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन. वुमन ने हमेशा पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करी कि हमें भी वो राइट मिलना चाहिए कि हम भी पॉलिटिकली आगे आए. जब उनको वो रोल, जब उनको ऐसा लगने लगा कि नहीं हमें ये इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे, तो वुमन ने क्या किया, खुद अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाना चालू करी. साथ ही साथ में फाउंडेड न्यूज पेपर निकालने चालू किए, आर्टिकल लिखने चालू किए, एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस. साथ ही साथ में उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स को ज्वाइन करना चालू किया और कुछ जो रैलीज होती थी, डेमोन्स्ट्रेशंस निकाले जाते थे, उनमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया था. डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद भी, दे वर डिनाइड सफ्रेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली. जब है ना ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, तब उस समय में वुमन को सफ्रेज राइट से दूर रखा गया, मतलब वोटिंग राइट तो दिया ही नहीं. वेल द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्विंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल वुमन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी. हुआ ये था कि जब है ना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने सेंट पॉल चर्च के अंदर अपनी मीटिंग चालू की थी, है ना, जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट थे, तो वहां पर वुमन भी थी, बट उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी. वो सिर्फ कहां थी, विजिटर्स गैलरी के अंदर खड़ी रही और वो सिर्फ देख सकती थी, उनको बोलने का राइट नहीं दिया गया था. तो ये कुछ पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है ये शो करता है कि किस तरीके से विमन का जो स्टेटस था सोसाइटी के अंदर वो अच्छा नहीं था, सब कुछ करने के बाद भी. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ विमन इन द नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन जर्मनी. ये क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये ही आंसर लिखना है. इसके अलावा आपके बुक में एक पॉइंट और दे रखा है, पॉइंट ये है, द सर्फडम एंड द बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश्ड इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया. अब इसका क्या मतलब है, हुआ ये था कि कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं को ये समझ में आने लग गया था कि इस बार तो हमने लिबरल्स को रोक लिया, है ना, इन्होंने असेंबली बनानी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, इन्होंने मोनार्की सिस्टम को भी एड कर दिया, ठीक है, बट अब ये लोग रुकने वाले नहीं है. तो बहुत से एरियाज के जो राजा थे, जो मोनार्क थे, उनको ये चीज क्लियर हो गई कि आज हमने इनको रोक लिया है रिवॉल्ट से, असेंबली से, बट आगे हम इनके जो टारगेट से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो इनका टारगेट है उसको हम नहीं रोक पाएंगे. तो ऐसे में कुछ एरिया के राजा महाराजाओं ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, मतलब कि राजा है पावर लिमिट में आ जाएगी बट हम रिस्पेक्टफुली राजा ही रहेंगे, आप हमको नहीं निकालेंगे, हम आप जो बोलेंगे वो करने के लिए तैयार है. तो ऐसे में हैब्सबर्ग वहां पर सर्फडम एंड
बॉन्डेड लेबर, यानी कि जो दास प्रथा चली आ रही थी है ना, बॉन्डेड लेबर वाली प्रथा भी थी, उसको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था। ये एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है, वर्मा क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज रोल ऑफ वुमेन में आपको ये वाला पैराग्राफ ही लिखना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे, लिखना यही है क्योंकि कंटेंट यही है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, तो हिट द लाइक बटन एंड पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।